नालों की सफाई के साथ ही नालियों तक की सफाई कर रहे हैं। शशि भूषण की तमन्ना प्रधानमंत्री से मिलने की है। सीतामढ़ी के शशि भूषण पर छाया सफाई का जुनून। 4 साल से जगा रहे हैं सफाई के अलग। सफाई के सामान के लिए बेचा पत्नी का जेवर। सफाई को लेकर सीतामढ़ी के शशि भूषण का जुनून इस कदर है कि अब उन्हें लोग पागल झाड़ू वाला कहके बुलाने लगे। लेकिन अपने धुन के पक्के शशि भूषण बिल्कुल बुरा नहीं मानते। उन्हें तो बस सफाई के लिए जागरूकता फैलानी है। वार्ड सदस्य शशि भूषण स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं। वे पीएम मोदी को धर्म पिता मानते हैं। मेरा नाम शशि भूषण सिंह पगला झाड़ू वाला, ये मैं टाइटल ही बनाया। शायद मेरे जैसा खुश नसीब इंसान है जो ऐसा नाम मुझे मिला है। जी मोदी जी का प्रेरणा हमारे साथ है, वो हमारे भारत में दूसरे पिता हैं। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं और धर्म पिता हमारे नरेंद्र मोदी जी। जो लोग पहले शशि भूषण का जुनून देख कर उनका मजाक उड़ाते थे, वो अब उनकी तारीफ करने लगे हैं। ये जो अपना स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं, उनको देख कर हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम भी सोचे कि जुड़े और अपने भी समाज से जुड़े, हम भी इनका जो साथ हाथ बढ़ाए कि हम भी अपना इस स्वच्छता अभियान को और आगे की तरफ ले जाने के इनको मदद करें। शशि भूषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए तो वे पैदल मोतिहारी गए। फिलहाल शशि भूषण पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के बड़े मिशन के एक कर्मठ सिपाही की तरह काम करने में जुटे हुए हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। नई खबरों के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही।